बढ़िया किसी का उसको पकड़। अब देखो बस फ्रैक्चर ना हो, ये चीज पूरा फूल गया है। अभी तो थोड़ा सा सूजन कम हो चुका है आई थिंक। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे आप लोग, कैसे सब उठ चुके हैं? ब्रेकफास्ट ऑल हो चुका है, सब कंप्लीट। एंड आज का क्या सीन है कि घर पे हो चुका है बॉयज केस हो गया है केस। एक्चुअली क्या हुआ कि कल रात को मम्मी ऐसा बाथरूम से निकल रही थी एंड पानी वानी वहाँ पे गिरा हुआ था, बस स्लिप करके मम्मी गिर गई। अब क्या हुआ कि मम्मी का पैर मुचक गया है, वो जो होता है ऐसा करके पूरा। सो अभी तक कन्फर्म नहीं है कि फ्रैक्चर है कि बस पेन है, क्योंकि मम्मी को पैर में बहुत ज़्यादा पेन है। एंड लाइक कल रात से था तो नर्स वर्स जो बैठाने वाले होते हैं वो रात को ही हम लोग बुलवा के बैठा दिए थे, बट वो बोले कि अगर इसे पेन ठीक नहीं हो रहा तो एक बार डॉक्टर दिखा के एक्सरे वैक्सरे करवा लेने। तो अभी हम लोग का सीन है कि आज हम लोग मम्मी को लेकर चलेंगे डॉक्टर के पास, एक्सरे वैक्सरे कराएंगे। लेट्स सी, आई होप कि फ्रैक्चर वगैरह ना हो, नहीं तो भाई साहब बहुत ज़्यादा मसला में पड़ जाएंगे, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा भाई, फिर दिक्कत तकलीफ हो जाएगा ना मम्मी को, सबको हो जाएगा साथ में। बट बस वही चाहते हैं कि फ्रैक्चर वगैरह ना हो, बस वो पेन हो एंड जो मोच होता है, मोच आ गया बस। अब मम्मी का तो पेन बहुत ज़्यादा है, मम्मी पैर ज़मीन में रख नहीं पा रही है, वो क्या बोलते हैं क्रैक बैंडेज से उसको हम लोग बांध बांध के रखे हैं मूव वगैरह लगा के। बट अभी तो फिलहाल मामी लोग भी आए हुए हैं, मामी लोग घर में कर रही है सब कुछ। बट फिलहाल आज चलते डॉक्टर के पास में, देखते हैं। डॉक्टर के पास तो टाइम दिया हुआ था 1 बजे का, सो फटाफट से अभी सब करके निकलते हैं मम्मी को लेके फिर डॉक्टर के पास। और यहाँ पे मेरी क्या हुआ, तकलीफ है? कैसे रो रही थी नानी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको कैसे हो? आप लोग दुआ कीजिए, देखिए मेरे बच्चे का क्या हालत हुआ है। क्या करें, आपको भी आना पड़ जाता है, आप लोग अल्लाह से दुआ कीजिए। रात को रो रो के सबको एकदम परेशान कर देती ना, क्या बोले, तकलीफ है भाई। अब कोई बात नहीं, अब देखो बस फ्रैक्चर ना हो, ये चीज पूरा फूल गया है। अभी तो थोड़ा सा सूजन कम हो चुका है आई थिंक, बट बस फ्रैक्चर वगैरह ना निकले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मम्मी का बेड रेस्ट। ओहो, अभी सबसे पहले अभी चलते हैं डॉक्टर के पास में, वहीं पे श्री हॉस्पिटल चलते हैं, वहीं पे सब कुछ होगा, एक्सरे वगैरह वहीं पे होगा, सब कुछ वहीं बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी तक हम लोग को कोई आइडिया नहीं है, बस इतना आइडिया कि बहुत ज्यादा तकलीफ है। बाकी अभी चलते हैं, आते हैं नानी दिखा के डॉक्टर के पास से। कोई बात नहीं है, बस अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह पर देने वाले, बस बाकी हिम्मत रखिए। बाकी अभी चलते हैं हम लोग लेके मम्मी को, अब देखते हैं मम्मी चल पाती कि नहीं। एंड फटाफट से अभी कार वगैरह निकालते हैं बाहर, कार निकाल के चलिए, पानी वगैरह ले लीजिए, पानी वानी ले लेते, पानी वगैरह बॉटल वाटल से ले लेते हैं। एंड कुछ दिन से 1 से 2 दिन के अंदर, और क्या हालचाल? अच्छा हालचाल। बाकी 1 से 2 दिन से भाई साहब इतना ज्यादा गर्मी है, नेक्स्ट लेवल गर्मी है, एसी वैसी भी काम नहीं कर रहे, ज्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है भाई, एक्सेस लेवल है गर्मी है। बाकी बस यही चीज है कि बस मम्मी जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, और कुछ नहीं। आप लोग भी भाई बस दुआ करना। बाकी अभी फटाफट से कार निकालते हैं, कार इधर पे खड़ा है, ये चेक करो बॉयज, फटाफट से कार निकालते हैं, कार से लेके चलना है मम्मी को। अभी तो ड्राइवर बन गया भाई घर का, थैंक यू सो मच। फटाफट से अभी कार निकालते हैं और फिर मम्मी लोग लेके निकलते हैं। yes, फिलहाल अभी निकालते हैं बॉयज कार को, ये चेक करो। चलो जो भी है भाई साहब, सही टाइम पे आ गए एंड सही चीज़ हो रहा है। एटलीस्ट अभी मम्मी को या नानी को कहीं भी जाना होता तो लाइक लेके आ जाते या चले जाते हैं। अभी बच रहा है भाई साहब, भाड़ा बच रहा है। हेलो, भाड़ा बच रहा है भाई साहब टोटो रोटो का, अभी अपना कार से चल रहा है काम, है ना? टोटो ओटो का भाड़ा बच रहा है। ये देखो जहाँ बाहर निकलते बच्चे लोग आ गए, लाइक करो, लाइक। ओ भाई, बस जहाँ बाहर निकलते ये लोग भीड़ लग जाते हैं, प्यार है प्यार। बाकी अभी चलते हैं, फटाफट से निकालते हैं अपने धनों को, और इसको मॉडिफाई भी कराना है, बहुत जल्द मॉडिफाई कराएंगे इसको, बहुत जल्द मॉडिफिकेशन भी करवाना है इसमें, बहुत सारा मॉडिफिकेशन कराएंगे, पूरा कार को भाई सब ब्लैक कर देंगे, पूरा कार को ब्लैक कर देंगे, और इस पर लगाएंगे अलॉय व्हील। चलिए, तो सभी कार निकाल के रख दिए है एंड मम्मी भाई सब आस्ते आस्ते, चलिए आराम से चलिए, हो रहा आराम से बढ़िया किसी का। फिलहाल अभी निकल चुके हैं मम्मी को लेके हॉस्पिटल के लिए, बाकी देखो क्या होता है। सर आ चुके हैं भाई साहब श्री हॉस्पिटल, अभी चेक करो। फिलहाल अभी डॉक्टर देख चुका है डॉक्टर, एंड अभी वो एक्सरे लिखा है, 2-3 टाइप का एक्सरे लिखा है। देखिए भाई साहब क्या होता है, क्या निकलता है, क्या नहीं निकलता एक्सरे में।
तो अभी मम्मी का हम लोग फाइल वाइल करा चुके हैं, पेंडिंग में बैठे हुए हैं। एंड कुछ हॉस्पिटल में भीड़ देखो भाई, मेला लगा हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल में, इतना भीड़। आज के टाइम में सबसे ज्यादा पैसा हॉस्पिटल कमा रहा है क्या? डॉक्टर पैसा कमा पा रहे हैं, डॉक्टर पैसे एकदम कमा पा रहे हैं। देख रहे हो भाई भीड़ देखो, कैसे सब बैठे हैं लाइन से, वहाँ पे सब बैठ के आराम से सीरियल देख रहे हैं। सही है, सब इंजॉय कर रहे हैं, बाकी अभी लोग वेट ही कर रहे हैं। भाई अभी हॉस्पिटल से बाहर आके बैठे, अलग लेवल का पसीना पसीना हो रखे, लाइक इतना ज्यादा गर्मी। ये चेक करो भाई, हॉस्पिटल के बाहर अभी आके बैठे हुए हैं, और मम्मी का भी एक्सरे के लिए अंदर गई है मम्मी। अब एक्सरे देखता है डॉक्टर, अभी मम्मी को चेक कर लिया, वो दो तीन एक्सरे दिया है, वो बोला कि एक्सरे करा के उसके बाद दिखाओ। तो अभी एक्सरे हॉस्पिटल पे ही हो रहा है, उसके बाद वो बोला कि अभी एक्सरे आ जाएगा, उसके बाद वो चेक करके फिर बताएगा क्या है। अभी तो वो बस ऊपर ऊपर से चेक किया, बोला कि ऐसा ऐसा कि इसमें तो एक्सरे ही करना है, बाकी एक्सरे हो रहा है, बस अल्लाह बेहतर जाने, बस कुछ दिक्कत ना हो जाए। बाकी चलते देखते क्या अपडेट है अभी। सो यस, फिलहाल हो गया है सब कंप्लीट, एक्सरे कंप्लीट, डॉक्टर भी देख लिया है, कुछ दो तीन माइनर क्रैक्स आए हैं। माइनर मतलब कि क्रैक्स तो है बॉडी पे, पैर पे क्रैक्स दो तीन जगह आ गया, एक दो जगह नहीं। एंड वो बोले कि बॉडी वेट के चलते कुछ ज़्यादा हो सकता है, बट अभी बोले कि कम्प्लीटली एक से डेढ़ महीना का रेस्ट देने के लिए मेडिसिन दिए है। बोले प्लास्टर कर सकते थे बट प्लास्टर नहीं करके उसकी जगह में कुछ और बताया है, कैसे कैसे बहुत सारा मेडिसिन दिए है, और आइसिंग से सेकना है आइस से, बाकी बहुत कुछ है। अभी फिलहाल कार निकालते हैं और मम्मी को लेके घर चलते हैं। यस, चलिए दौड़ जाइए, मैं दौड़ जाइए आ गए घर दिखा के, देखे हो भाई पसीना अलग ही सीन। चलो आ गई मम्मी फाइनली। अब यस फिलहाल बॉयज आ चुके हैं घर। ओ भाई साहब फैन क्यों ऑफ हो गया, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, क्या है बताए। देख लो दोपहर के 4 बजे, अब जाके हम लोग घर आए। एंड ये लोग को देखो भाई साहब, ए बदमाश, ए बदमाश आइबा। ये लोग छोड़ो, मम्मी अभी गई है, अभी हम लोग लंच वंच करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। बाकी आसिफ सो गए लेके आए साहब को, देख रहे हो ए बदमाश, सो जा, देखो कितना प्यार से सो जाएगी, देखो सो गए। रही बाकी भाई आवाज़ ही निकल रहा भूख से, लंच करके है, खा लिया खाना तुम, खा लिया सही है। और अभी आइजा का आज ही कैटलॉग का फूड आया, ये चेक करो, आज ही आया था। सो इस फिलहाल अभी लंच एंड ऑल हो चुका है सब कंप्लीट, एंड भाई साहब घर पे बस बैठे हुए हैं अभी। लाइक कल एक आध दिन पहले ही भाई साहब नया घर पे कार आया, एंड अब चल के मम्मी का साथ ऐसा हो गया, तो बहुत ख़राब लग रहा है। एंड कर भी क्या सकते, बस आप लोग दुआ करना कि मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बाकी आई डोंट नो ये ब्लॉग कितना बड़ा रहेगा, क्या रहेगा, कुछ आइडिया नहीं है, बस आप लोग प्रे करना कि मम्मी जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। एंड बस क्योंकि देखो घर का मेन मम्मी होता है, एंड अभी मम्मी ऐसा हालत में पड़ गई है अब देखो। एंड अभी खैर तो मामी आ गई है, मामी पूरा घर संभाल के रखी है, सबको करना धरना, डिनर वगैरह लंच वगैरह सब कुछ हम लोग का सब मामी करके दे रही, तो अभी सही चल जा रहा, बट कब तक मम्मी का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। सो देखो अब ऐसा है, अभी तो मम्मी बेड रेस्ट में रहेगी, एक डेढ़ महीना का बेड रेस्ट बोला डॉक्टर, लेट सी जल्दी से ठीक हो जाए। बाकी जिम जाएंगे कि नहीं जाएंगे कोई आइडिया नहीं है, अभी फिलहाल घर पे रहते हैं, एंड लेट सी क्या करना क्या नहीं करना है। सो इस फिलहाल अभी मम्मी के पास बैठे हुए थे, एंड सब नानी मम्मी सब लगी हुई है मम्मी के साथ में करना वरना, क्योंकि मम्मी अब कुछ करने के लायक में है नहीं, प्रॉपरली बेड रेस्ट बोल दिया डॉक्टर, तो अभी सब लगा हुआ है। एंड सब तरफ से कॉल ही आ रहे कंटिन्यू कि क्या हुआ, मम्मी कैसी है, क्या सीन है, क्या सीन नहीं है, तो सबसे बात ही चीज़ चल रहा है। एंड आई डोंट नो कि आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन नहीं कर रहा, अभी नया कार लेकर आए थे, सोचे थे कि मॉडिफाई कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, बट अभी देखो कैसा सीन हो गया मम्मी के साथ में, अब मम्मी पड़ गई है बेड पे, तो अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मतलब बस अब लग रहा है कि जल्द से जल्द मम्मी ठीक हो जाए, उसके बाद ही कुछ करेंगे। एंड फिलहाल बाकी आप लोग सपोर्ट करो, एंड थोड़ा चैनल डाउन हो गया था उसको थोड़ा सा उठा देना आप लोग, ठीक है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे, शेयर करना वीडियो को अपने फैमिली में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैमिली के फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करना, ताकि थोड़ा ग्रो मिले मेरे को, और लाइक करना मत भूलना, और कमेंट कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी बस दुआ करना कि मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अभी फिलहाल थोड़ी देर के अंदर हम लोग अपना डिनर वगैरह कर लेंगे, एंड फिलहाल करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।